वेलकम टू चार्ट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में डेमो देखेंगे। मैंने एलएस ब्लू के अकाउंट और एलएस ब्लू के वेब सॉकेट डेटा को ओएचएलसी डेटा में कन्वर्ट किया है। सो नॉर्मली आप जब भी वेब सॉकेट में आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको एलटीबी फैच आपको एलटीबी लाइव लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको मिलेगी, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैंने एलटीबी डेटा को कंबाइन कर अपेंड करके मैंने उसको ओएचएलसी डेटा में कन्वर्ट किया है। तो नॉर्मली मैंने एलटीबी डेटा को हैंडल किया है, तो वो मैं आपको आप डेमो दूंगा फॉर अ एलाइस ब्लू वेब सॉकेट। सो लेट्स सी, आई एम जस्ट रनिंग अ कोड। बहुत सारे स्क्रिप्ट मैंने सब्सक्राइब किए, आप यहाँ पे देख सकते हो ल्यूपिन, एलटीआई, बायोकॉन, बैंक निफ्टी, बहुत सारे स्क्रिप्ट मैंने सब्सक्राइब किए। मैं आपको सिर्फ डेमो दूंगा, यहाँ पे एलटीबी फैच होगी और हर एक 1 मिनट पे आप वो भी चेंज कर सकते हो। मैंने 1 मिनट पे मैंने उसको 1 मिनट के ओएचएलसी में उसको कन्वर्ट किया है। ओके तो यहाँ पे जस्ट स्टार्ट हो रहा है, जस्ट वेट वेट फॉर सॉकेट ओपनिंग। ओके वेट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, 76 सेकंड हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेगा एलटीबी फैच करना, उसको उसको वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। बस नॉर्मली मैंने यहाँ पे क्या किया है, हैंडल किए जो भी एलटीवी प्राइस आप देख सकते हो, एचडीएफसी, आईटीसी, आईओसी, बैंक निफ्टी में फ्यूचर। ओके आप ऑप्शन का भी मैंने किया है, फैच किया है एलटीवी और उसको भी मैंने ओएचएलसी में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको वो डेमो दे रहा हूँ। सो एवरी 1 सेकंड के बाद वो उसको कन्वर्ट करेगा किस में, ओएचएलसी डेटा में। सो जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके अभी 150:22 है, सो 14:58 को वो ओएचएलसी में कन्वर्ट करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे उसने जो एलटीपी फैच किया और यहाँ पे देखो उसने ओएचएलसी में कन्वर्ट किया है। ठीक है तो सारे जैसे कि यहाँ पे लुपिन है, लुपिन को मैंने ओएचएलसी में कन्वर्ट किया है। फिर आप देख सकते हो SBI है, उसको मैंने ओपन है, उसमें पैरेलली वो आपका स्ट्रीमिंग तो चलता ही रहेगा। ओके सो सभी स्क्रिप्ट को मैंने देखो, आप IOC, HDFC, एस्कोट, टावर, बायोकॉन, बाटा इंडिया, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के सबके डेटा को मैंने कन्वर्ट किया है। आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का है, OHLC में मैंने कन्वर्ट किया है। सो एक सिंपल डेमोस्ट्रेशन था, आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको इनपुट देना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो वापस ये देखो, ओके 258 को वापस वो कंबाइन किया है सभी का, आप देख सकते हो यहाँ पे अपेंड किया है। ओके सभी स्टॉक के लिए जस्ट वेट वन मोर टाइम, हम देखते हैं 1 मिनट के बाद। ये सब प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, अगर आपको प्रिंट नहीं करना तो आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपको एलटीपी मिल रही है। ओके सो इसीलिए मैंने जस्ट यहाँ पे प्रिंट किया है सभी 8 या 10 स्टॉक्स की एलटीपी। और जैसे ही अगर 53 अभी चल रहा है, ठीक है 54, ठीक जैसे ही वो 3 o'clock होगा वापस वो OHLC में कन्वर्ट करेगा, आप देख सकते हो। ठीक है 3 कैंडल के 1 मिनट की ड्यूरेशन हमारे अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। टाइमिंग आप मत देखो, आपको सिर्फ वैल्यू दे रहे वो फैच कर रहे, ठीक है 3 कैंडल में 3 मिनट के हिसाब से वापस वो 4 मिनट में आपको फैच करके। सो ये सिंपल वीडियो था जस्ट टू शो हाउ टू कैन हैंडल एलटीपी डेटा। अगर आपको ये वीडियो का कोर्स चाहिए तो उसकी प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आप कैसे बाय कर सकते हो उसकी प्रोसीजर भी मैंने लिखा है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ अदर्स। थैंक यू।